हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ एमजे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। फ्री का फर्टिलाइज़र मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपके प्लांट की पत्ते की जो कलर्स है उसको ग्रीन करने में हेल्प करेगा, प्लांट की डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और ये चीज़ फ्रेंड्स अक्सर आपके गार्डन में आपको देखने को मिल जाएगी और आप इजीली उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और बिल्कुल भी आप इसको अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। अगर आपने इसको अंडर एस्टिमेट कर दिया तो बाद में एक बहुत ही अच्छी फ्री का सोर्स जो एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है वो आपके हाथ से निकल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊँगा जो आपके लिए, आपके प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। वो फर्टिलाइज़र है ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, फेदर। अब ये है फ्रेंड्स पिजन का एक फेदर, यानी कि मेरे यहाँ जो कबूतर वगैरह आते हैं उनका एक फेदर मुझे मेरे गार्डन में घूमते हुए देखने को मिल गया। ये अक्सर फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा अपने गार्डन में और मुझे भी अक्सर देखने को मिलता है। तो इसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले तो इसका बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ। ये वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है नाइट्रोजन का। जी हाँ फ्रेंड्स, वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है नाइट्रोजन का और ऑर्गेनिक चीज़ है। नाइट्रोजन ही नहीं, इसके अंदर दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। अगर आप इसको सही ढंग से इस्तेमाल करोगे तो बाद में आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। आपको कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताऊँगा। अब ये जो चीज़ है ये फ्री की मिल जाती है आपको अपने गार्डन में, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। बस अगर जब भी आप अपने गार्डन को क्लीनिंग करते हो तो क्लीनिंग करते वक्त फ्रेंड्स आपको ये फेदर अगर देखने को मिल जाता है तो वो फेदर आप ले लीजिए। तो यहाँ पे जो देख रहे फ्रेंड्स ये बना मेरा वन ऑफ द हाइबिस्कस का प्लांट है और इसके अंदर से मैंने थोड़े से वीड हटा दिए। अब इसको यूज़ कैसे करना है, सीधा हमें यहाँ पे नहीं रखना है क्योंकि ये डिकॉम्पोज होगा, ये जो फेदर है ये डिकॉम्पोज होगा। तो मैं उसको यहाँ पे रूट सिस्टम के आसपास नहीं डालूंगा, मैं इसको डालूंगा गमले की साइड पे, थोड़ा सा खड्डा जैसा कर लीजिए आप अपने गमले में। और ये जो फेदर है ये फेदर ये खड्डे के अंदर डाल दीजिए और उसके ऊपर ये मिट्टी डाल दीजिए। ये जैसे जैसे डिकॉम्पोज होता जाएगा वैसे वैसे फ्रेंड्स ये नाइट्रोजन प्लांट को प्रोवाइड करता जाएगा। और इसका जो नाइट्रोजन लेवल होता है वो अराउंड 10% के आसपास होता है, यानी कि जो 13045 या तो 12X7 जैसे फर्टिलाइजर आप यूज करते हो उसके अंदर जो 12% जितना नाइट्रोजन होता है उतनी कंटेंट में ये नाइट्रोजन आपके प्लांट्स को प्रोवाइड कर सकता है और ये ऑर्गेनिकली प्रोवाइड कर सकता है। जैसे ही फ्रेंड्स ये डिकॉम्पोज होता जाएगा धीरे 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 करके ये नाइट्रोजन आपके प्लांट को प्रोवाइड करेगा और आपके जो प्लांट के पत्ते हैं वो ग्रीन होते जाएंगे। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं फ्रेंड्स जो गार्डन में आपको अक्सर करते रहना है और बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। बहुत सारे लोग केमिकल के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंड हो चुके हैं कि ये सारी चीज़ों को भूलने लगे हैं। अब बहुत सारे लोग मुझे भी बोलते हैं कि सर आप केमिकल पे ज़्यादा डाइवर्ट हो रहे हो। देखिए मैंने कभी भी केमिकल के ऊपर ज़्यादा मैं डाइवर्ट नहीं हुआ हूँ। पिछली जो मेरी वीडियो अगर आप देखोगे उसके अंदर भी मैंने बताया कि मैं दोनों चीज़ों को पैरेलल लेके चलता हूँ। केमिकल और ऑर्गेनिक ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारे पौधे के लिए। बिना ऑर्गेनिक के केमिकल बेकार है, तो ये चीज़ भी समझना ज़रूरी है। तो जब भी आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखे जो धीरे धीरे स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र हो, जैसे कि अभी जो फेदर मैंने बताया वो एक स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है, आपको बस मिट्टी के अंदर साइड में गमले के पास डाल देना है, मिट्टी भर देनी है, बस वो अपना काम करना शुरू कर लेगा। अब एक सवाल मुझे पूछा जाएगा, बहुत बार मुझे पूछा जाएगा, मुझे अच्छी तरह पता है। सवाल ये है कि सर क्या हम दूसरे भी बहुत सारे फेदर्स, यानी कि जो मुर्गियों का जो फार्म रहता है वहाँ पे जो फेदर्स वगैरह मिलते हैं वहाँ से हम फेदर्स कलेक्ट करके ला सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एडवांटेज भी होगा डिसएडवांटेज भी होगा। एडवांटेज तो ये होगा कि फेदर तो अपना काम करेगा, नाइट्रोजन प्रोवाइड करे, लेकिन जो मुर्गियों के फार्म से आप जो भी फेदर्स वगैरह लाते हो उसके अंदर डिजीज और फंगस बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें अपने प्लांट्स की सॉइल के अंदर ऐसे फेदर्स बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करने हैं जो डिजीज और फंगस को इनवाइट कर सके। तो इसीलिए हमेशा ऐसे फेदर्स ही आप सिलेक्ट करिए जो साफ़ सुथरे हो, जैसे कि अभी मैंने बताया। और गंदे जो बहुत ही गंदे फेदर्स हो या तो आप उसको लाइए, अच्छी तरह साफ़ कर लीजिए पानी के अंदर
और सुखा लीजिए, उसके बाद वो फेदर्स आप अपने प्लांट की मिट्टी के अंदर डाल सकते हैं। अब जैसे कि मैंने एक बड़ा सा फेदर डाला है, मुर्गियों के जो फेदर्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, या तो कोई बड़ी साइज का फेदर होता है या छोटी साइज का होता है, तो एवरेज आप समझ लीजिए जो मैंने बताया उतनी एक लंबी साइज, अराउंड 6 से 7 इंच जितना लंबी साइज का फेदर हो तो इनफ रहेगा। छोटे छोटे फेदर्स हो तो आप थोड़ा सा नाप लीजिए, उनको देख लीजिए और आपके अकॉर्डिंग आप अपने प्लांट की मिट्टी के अंदर डाल दीजिए। तो फेदर्स डालने का मतलब एक ही है कि प्लांट को बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिकली नाइट्रोजन मिलेगा, और नाइट्रोजन की वजह से आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी, लीव्स जनरेशन ज्यादा होंगे और आपके प्लांट फ्लावरिंग्स भी आगे चल के बहुत ही अच्छी कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की। अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड, तो आप प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।